आप सभी का स्वागत है नोटेक चैनल पर और सब्सक्राइब कीजिए नोटेक चैनल को सेट बटन को दबाकर और साथ ही साथ इस बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए हमारा लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है एंड्रॉइड टेक चैनल पर। और फ्रेंड्स, आज की वीडियो बहुत स्पेशल होने वाले सैमसंग के डिवाइस की, जिनके पास सैमसंग गैलेक्सी J5 2016। सो फ्रेंड्स, विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। सो हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है एंड्रॉइड टेक चैनल पर। और फ्रेंड्स, आज की वीडियो बहुत ज़्यादा स्पेशल होने वाली है J5 2016 की यूजर्स के लिए। सो फ्रेंड्स, J5 2016 को ऑलरेडी नौगट अपडेट मिल चुका है, जो कि यहां पर इंडिया में बहुत जल्दी अवेलेबल हो जाएगा। हाल फिलहाल अभी जो है यूरोप में अवेलेबल है। और फ्रेंड्स, यहाँ पर जो है इसके पिक्चर्स लीक होकर आई हैं और यहाँ पर आप देख सकते हैं इसका नोटिफिकेशन पैनल है, जो कि एंड्रॉइड नौगट के बाद में कम्प्लीटली चेंज हो चुका है। और आपको जो इसके अंदर NFC का भी सपोर्ट मिल जाता है, जिसके थ्रू आप अपनी कोई भी फाइल को शेयर कर सकते हैं। और आप यहाँ पर इस पिक्चर में देख सकते हैं ये जो सेटिंग्स है, जो कि कम्प्लीटली चेंज हो गई एंड्रॉइड नौगट अपडेट होने के बाद में। और एंड्रॉइड नौगट अपडेट होने के बाद में आपको मोबाइल पूरी तरीके से कम्प्लीटली स्मूथ हो जाएगा। और ख़ास बात ये है कि आपको जो है सैमसंग का लेटेस्ट एक्सपीरियंस वर्जन मिलेगा, जो कि है सैमसंग एक्सपीरियंस वर्जन 8.5। और एंड्रॉयड का लेटेस्ट नहीं कह सकते, बट अच्छा एंड्रॉयड वर्जन मिल रहा है कंपेयर टू द अदर डिवाइस, जो कि एंड्रॉयड 7.1.1। हालांकि अभी तक सैमसंग में सिर्फ 7.0 का अपडेट मिले हैं। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर जो है ये तीसरी डिवाइस होने वाली है जिसको जो है 7.1.1 का अपडेट मिलेगा। एक टैबलेट है जिसको ऑलरेडी एंड्रॉइड 7.1.1 का अपडेट मिल चुका है, और साथ में सैमसंग का एक्सपीरियंस 8.5 और नॉट 8 में ऑफिशियली जो है एंड्रॉइड 7.1.1 का सपोर्ट मिलता है और सैमसंग का एक्सपीरियंस 8.5। कोई भी डिफरेंस नहीं है सैमसंग के 8.5 में और 8.1 में, माइनस डिफरेंट है, बट ये एक अच्छी न्यूज़ है सैमसंग के J5 2016 के यूजर्स के लिए कि उनको जो है सैमसंग का लेटेस्ट एक्सपीरियंस वर्जन मिल जाएगा। सो मैं यही रिकमेंड करूँगा कि आप वेट कीजिएगा, कोई अदर मेथड यूज़ मत कीजिएगा, क्योंकि इंडिया में जो है बहुत जल्दी ऑफिशियली लॉन्च हो जाएगा, क्योंकि इंडिया की जो डेवलपर टीम है काफ़ी फास्ट है। सो हमें भरोसा है कि सैमसंग जो है काफ़ी जल्दी जो इंडिया में भी नौगट अपडेट रिलीज़ कर देगा। और यार, जितना जो है लेट नौगट अपडेट मिलता है उतना ज़्यादा डेवलप होकर जो एंड्रॉइड नौगट का अपडेट मिलता है। हालांकि आप देख सकते हैं सैमसंग का जो S7 और S7 है जिसमें ग्रेस UI है, बाद में जो J सीरीज़ में काफ़ी लेट एंड्रॉइड नौगट का अपडेट आया जिसमें जो है सैमसंग का एक्सपीरियंस 8.1 मिला और S8 का यूज़र इंटरफेस। और अब जो है इसमें थोड़ा लेट होकर आ रहा है, बट इसमें जो है सैमसंग का 8.5 एक्सपीरियंस वर्जन मिल जाएगा और साथ में जो है लेटेस्ट एंड्रॉइड वर्जन जो कि है 7.1.1। सो फ्रेंड्स, मैं आपसे रिकमेंड करता हूँ कि आप थोड़ा सा वेट कीजिए, क्योंकि इंडिया की टीम डेवलपर टीम जो है सैमसंग की काफ़ी फास्ट है, काफ़ी जल्दी जो अपडेट रोल आउट कर देती है। सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में इतने। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ में। और अगर आप नए हमारे चैनल को तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें बगैर मत जाना। सो फ्रेंड्स, मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक लिए साइनिंग आउट।